अक्सर लोग बात करते हैं गुलबर्ग ग्रीन से 0.8 डिस्टेंस की, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं टाइम लैप्स की मदद से एक्सप्लेन कर दूंगा कि 0.8 से गुलबर्ग ग्रीन से एक्चुअल डिस्टेंस कितना बनता है। यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया, गुलबर्ग ग्रीन में अपने ऑफिस स्टार्ट किया है लेक्सस मॉल में, जो गुलबर्ग में एंटर होने के बाद मेन रोड पे चौथा प्लाजा है, और इससे आगे अगर आप 0.8 की तरफ जाएं तो आपको डिस्टेंस जो आमतौर पर लगता है तकरीबन 14 किलोमीटर का है, लेकिन टाइम 10 से 15 मिनट का लगता है क्योंकि इस्लामाबाद हाईवे सिग्नल फ्री है, और सिग्नल फ्री होने के साथ साथ यहाँ पे इस्लामाबाद हाईवे पे आपको कोई ट्रैफिक ऐसा कंजेशन नहीं मिलती, क्योंकि गुलबर्ग से आगे अगर आप रबात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक कंजेशन मिलती है, लेकिन गुलबर्ग ग्रीन्स तक चूंकि बिल्कुल इस्लामाबाद हाईवे सिग्नल फ्री है तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक कंजेशन नहीं मिलती, कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो इस वजह से काफी ज्यादा सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनता है गुलबर्ग ग्रीन्स का। तो इस्लामाबाद के बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में अगर लोकेशन की बात की जाए तो सबसे प्राइम लोकेशन गुलबर्ग ग्रीन्स की बनती है, इसलिए ये पाकिस्तान की जो सबसे टॉप नॉच जेंट्री है, यानी पाकिस्तान के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने जनरल्स हैं ये पाकिस्तान की इलीट है, जो वो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर फार्म हाउसेस के अंदर रहना प्रेफर करती है कि लोकेशन बहुत ज्यादा सूटेबल है। यानी अगर आप 0.8 से टुवर्ड्स E6 जाएं या F6 जाएं तो वहां पे आपको अगर लेट से बहुत अच्छा लग्जरी घर देखें 2 कनाल का तो आपको मिलता है तकरीबन 1 अरब के आसपास, तो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर 10 कनाल का प्लॉट तकरीबन आपको 18 से 20 करोड़ का मिलता है कंस्ट्रक्शन के साथ, या आपको एवरेज जो घर आपको बहुत ज्यादा आउट क्लास स्टैंडर्ड का घर होगा तकरीबन 50 से 60 करोड़ घर आपको गुलबर्ग ग्रीन्स में मिलता है, तो मतलब प्रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो गुलबर्ग ग्रीन्स होता है, एरिया आपको ज्यादा मिलता है। 10 कनाल यहाँ पे बेसिकली 12 कनाल है, यानी कि आपको 2 कनाल एक्स्ट्रा लैंड इसलिए मिलती है कि कनाल का प्लॉट यहाँ पे 600 गज का है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें कनाल तो 60/100 वाला कनाल काउंट होता है, एज कम्पेयर टू जो इस्लामाबाद में कॉमन कनाल चल रहा है 50/90 का, वो 500 गज का प्लॉट है, ये 600 गज का प्लॉट है। तो मैं भी आपको टाइम लैप्स की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ कि गुलबर्ग ग्रीन से लेके 0.8 तक आपको एवरेज टाइम कितना लगता है और डिस्टेंस कितना है, बीच में आपको मैं जो टाइटल्स हैं उसकी मदद से एक्सप्लेन कर दूंगा कि बीच में जो लोकेशंस आती हैं वो कौन सी लोकेशंस आती हैं। इस पॉइंट से मैं गुजर रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है कुराल चौक, अगर आप इस्लामाबाद से नेटिवली वाकिफ हैं तो ये एरिया 2015-2016 तक इस्लामाबाद का सबसे जो लंबा सिग्नल होता था वो ये एरिया होता था, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे जो बेनज़ीर भुट्टो ओल्ड एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद का था वो था, और राइट साइड पे जो था वो बेसिकली आबादी है, यहाँ पे गोरी टाउन के नाम से और खन्ना पुल के नाम से यहाँ पे एक जैसा आबादी बनती है, तो ये सबसे लंबा इशारा बनता था। यहाँ पे तकरीबन आपको एवरेज अगर आप इस्लामाबाद हाईवे पर ट्रेवल कर रहे होते थे तो आपको 15 मिनट्स के आसपास का डिस्टेंस टाइम जो होता था वो मिनिमम रिक्वायर्ड होता था इस जगह पे, तो इसके अलावा आपको यहाँ से गुजर नहीं होता था। तो ये जिस पॉइंट से मैं अभी इस वक्त गुजर रहा हूँ उस पॉइंट का नाम है खन्ना पुल, और पास में देखा जाए तो कंजेशन के लिहाज से यानी ट्रैफिक के कंजेशन के लिहाज से ये एरिया बड़ा फेमस था। इसके लेफ्ट साइड पे जो है फजाइया कॉलोनी है, राइट साइड पे लतरार रोड है, खन्ना पुल के लेफ्ट साइड पे सारा रावलपिंडी शुरू हो जाता है और राइट साइड पे सारा का सारा एरिया जो बनता है यहाँ पे आपको इस्लामाबाद की डोमेन मिलती है, यानी कि राइट साइड पे अगर आप जाते हैं लतरार रोड पे तो आपके आगे आगे जाके आपको चकशजाद मिलता है, चकशजाद के आगे ये रास्ता लतरार रोड कंटिन्यू रखते हैं टूवर्ड्स मरी तो ये आपको कोटली सतियां वाले एरिया में पहुंच जाता है, तो ये वाला एरिया जो है खन्ना पुल का इस लिहाज से काफी ज्यादा फेमस है। जिस पॉइंट से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ इस पॉइंट का नाम है फैजाबाद, ये बेसिकली जंक्शन पॉइंट है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, चूंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर है लेकिन फैजाबाद को खास अहमियत हासिल है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके जो भी सियासी जमात या मजहबी जमात या कोई भी चीज़ होती है वो जो आप मुल्क को अगर जैम लॉक करना चाहें इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद करना चाहें तो ये वो पॉइंट है। आमतौर पे ये जो जंक्शन बनता है फैजाबाद का, इस फैजाबाद के जंक्शन पे लेफ्ट साइड पे सारा रावलपिंडी है और राइट साइड पे सारा का सारा इस्लामाबाद है, और ये रास्ता भी आगे चकशजाद की तरफ प्रोसीड करता है, जहाँ पे आपको चकशजाद मैंने पहले जिक्र किया था वीडियो में गुलबर्ग ग्रीन्स वाली के फार्म हाउसेज आपको मैं चकशजाद के लिए मिलते हैं, और इस वक्त यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से इस्लामाबाद हाईवे सिग्नल फ्री होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कंजेशन मिल जाती है। हमारे लेफ्ट साइड में फैजाबाद के पॉइंट पे आ गया, और फैजाबाद का पॉइंट जो बड़ा फेमस है इस लिहाज से किसी भी सियासी जमात ने किसी मजहबी जमात ने जब इस्लामाबाद को बंद करना होता है तो सबसे पहला पॉइंट फैजाबाद होता है, कि फैजाबाद एक जंक्शन बनता है जहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सारी ट्रैफिक जो है वो कम्बाइन होती है एक पॉइंट पे आके, तो ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें जब भी को धरना देना होता है, जब भी इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना होता है तो ये वाला एरिया इस्तेमाल किया जाता है। मेरे लेफ्ट साइड पे भी I-8 का एरिया है, I-8 CDA सेक्टर है, और राइट साइड पे परेड लाइन है जहाँ पे आपको आमतौर पे 23 मार्च की परेड और इस जो बाकी जो बड़े इवेंट्स होते हैं वो यहाँ मिलते हैं। इवन जो PTI के रिसेंट दिनों में जो बड़े जलसे इस्लामाबाद में हुए हैं वो इसी एरिया में हुए हैं।
ये इस्लामा को 0 पॉइंट आ गया, और 0 पॉइंट पे जो फेमस है 0 पॉइंट जब इस्लाम पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था तो 0 पॉइंट को सेंटर पॉइंट रखा गया था, इसलिए इसका नाम 0 पॉइंट है क्योंकि 0 पॉइंट से ही तमाम एरियाज का डिस्टेंस मेजर किया जाता था कि यहाँ से सेक्रेटेरिएट कितने फासले पे होगी, यहाँ पे कमर्शियल जोन्स कितने फासले पे होंगे, यहाँ पे जो बाकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो कितने फासले पे होंगी, रेजिडेंशियल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, तमाम को 0 पॉइंट से फासले के पॉइंट पे रखा गया था। 0 पॉइंट इसलिए इस्लामाबाद का जो सेंटर पॉइंट है, यानी लॉन्च होती है रेट्स, किसके रेट्स फिजिबल है या नहीं है हम चेक करते हैं 0 पॉइंट से डिस्टेंस कितना है उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुलबा का डिस्टेंस 14 किलोमीटर, अगर DHA 5 DHA 2 का डिस्टेंस जो बनता है तकरीबन अराउंड 26-27 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का डिस्टेंस बनता है तकरीबन अराउंड 36 किलोमीटर इंटरचेंज के बाद। फिजिबिलिटी के लिहाज से जाहिर सी बात है हर वो जगह एक्सेसिबल होती है, अच्छी लोकेशन काउंट होती है जिस जगह से पब्लिक डोमेन में ईजी एक्सेस मौजूद होती है। अभी आगे मैं दूसरी तरफ इस्लामाबाद से जा रहा हूँ, ये एरिया ये रोड जो आपको सीधा इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद पर जाके एंड होगा, तो ये ओवरऑल जो है गुलबा ग्रीन से 0 पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से नोट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, गुलबर्ग ग्रीन या किसी भी इस्लामाबाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।